नमस्कार दोस्तों, राधे राधे गार्डनिंग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही न्यू वैरायटी का प्लांट लेके आई हूँ दोस्तों। तो इस प्लांट का नाम दोस्तों सी हिबिकस है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है दोस्तों। इसकी जो लीव्स होती हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पान की लीव्स हैं, लेकिन ये पान नहीं है दोस्तों, और पान के स्टाइल की लीव्स हैं। तो ये सी हिबिकस है, इसका नाम सी हिबिकस है दोस्तों, और ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और मेरे गार्डन में ये नया ऐड हुआ है और बहुत ही सुंदर प्लांट है। नर्सरी वाले भैया इसको बता रहे थे और मैंने देख भी लिया, वहाँ पे कुछ एक आध फूल खिल भी रहा था दोस्तों, तो मैंने वो नहीं लिया, ये वाला प्लांट चूज़ किया क्योंकि ये मुझे ज़्यादा हेल्दी लगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट है दोस्तों, और इसकी जो केयर है, ज़्यादातर इसकी हिबिकस जैसी ही केयर होती है, जो नॉर्मल हिबिकस होता है हमारा, उसी के जैसी इसकी केयर होती है दोस्तों। लेकिन इसकी जो फिर भी जो जानकारी है वो मैं आपको फिर भी बताऊंगी। तो दोस्तों, इसको जो है आप बड़ा गमला दीजिए, हिबिकस है, और ये ट्री नुमा होता है, ट्री की तरह हो जाता है, ये बुशी हो जाएगा दोस्तों। और इसको थोड़ा बड़ा प्लांट चाहिए, जैसे कि 12 इंच का गमला कम से कम इसको चाहिए दोस्तों। तो 12 इंच के गमले में इसको दीजिए, इसको प्लांट को जगह। और दोस्तों, इसका जो सॉइल मीडिया है, सॉइल मीडिया एकदम वेल ड्रेन होना चाहिए, बढ़िया एकदम रिच वेल ड्रेन सॉइल मीडिया इसको दीजिए। एक एक भाग इसको, एक भाग गार्डन सॉइल, एक भाग इसको रेता, एक भाग इसको आप कंपोस्ट दीजिए, बर्मी कंपोस्ट दीजिए या काउडंग दीजिए, यह सब मिक्स दीजिए। मैं मिक्स भी कहती हूँ आपसे, उससे बहुत अच्छा रिच मीडिया बनता है हमारा सॉइल मीडिया। तो कंपोस्ट आप दो तो तीन तरह की आपके पास हो तो आप उसे मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसमें दोस्तों कोकोपीट मत मिलाइएगा, कोकोपीट नहीं मिलाना है इसमें, क्योंकि इसमें फंगस लगने का पेड़ पौधों में सभी में खतरा होता है, तो फंगस लग सकती है दोस्तों। और इसमें नीम खली का प्रयोग आप जरूर कीजिए, जिस हिसाब से आपका सॉइल मीडिया या जितने भी प्लांट आपके हैं। तो मेरे पास ये फिलहाल एक प्लांट लेके आई हूँ मैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। और इसमें जो है जो फ्लावर आता है दोस्तों, वो फ्लावर इसमें भिंडी की तरह आता है, भिंडी जैसा होता है इतना बड़ा, और वो अपना रंग बदलता है, वो पहले लाइट येलो होता है और बाद में डार्क येलो हो जाता है। बाकी जब खिलेगा तब देखेंगे दोस्तों कि किस तरह का इसका फ्लावर है। और इसमें जो है दोस्तों, इसको मैंने बता दिया आपको, बड़ा प्लांटर देना है इसको, और इसको फुल सनलाइट में इसको रखना है दोस्तों। और इसमें दो तरह की लीव्स वाला प्लांट आता है, ये मेरा प्लेन लीव्स है, इसमें ग्रीन लीव्स रहे, एक वेरीकेटेड भी होता है, तो वेरीकेटेड उनके पास नहीं था तो वो मैं अभी लेके नहीं आई हूँ, अगर उनके पास आ जाएगा तो मैं उस प्लांट को भी लेके आऊँगी दोस्तों। तो इस तरीके से इसको लगाना है, और लगाने के बाद फुल सनलाइट में रखना है, और आप पानी इसको तभी दीजिए, मिट्टी इसकी मॉइस्ट होनी चाहिए दोस्तों। जब आप मिट्टी इस पानी डालेंगे तो मिट्टी आप भी अच्छे से गीली हो जानी चाहिए। गीली होने के बाद दोस्तों, इसको अगर आप 4-5 दिन पानी बाद में नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, ये प्लांट मरता नहीं है दोस्तों। और इसकी बाद में जब आप पहली बार लगाएंगे तब पानी अच्छे से दीजिए, बाद में इसमें पानी देख कर देना है उस तरह से, और उसे फुल सनलाइट में रखना है दोस्तों। और इसकी समय समय पर इसकी कटिंग करते रहें। और देखिए, इसमें शायद एक कली आ रही है, कली दिख रही है दोस्तों आपको, ये इसकी कली है, ये इसकी कली है। तो जब मैं आपको सारे प्लांटर्स का एक वीडियो बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज तो मैं इसे प्लांटर देने वाली हूँ, और ये कली इसकी आ रही है दोस्तों ये। और इसमें जो स्प्रे करना है हमको, नीम ऑयल का स्प्रे करने आए दोस्तों, नीम ऑयल, और वही है 1 लीटर में 1 छोटी चम्मच नीम ऑयल और डिशवॉश मिला के उससे इसमें स्प्रे करना है दोस्तों। और इसमें मिली बग वगैरह लगने का खतरा होता है, वो तो अभी हर एक प्लांट में रहता है दोस्तों, तो वो मिली बग्स और किसी भी तरह का कीड़ा आए ना, तो आप हर वीक या हर 15 दिन पे नीम ऑयल का आप डिशवॉश मिला के स्प्रे करते रहें, तो कोई कीड़ा किसी प्रकार का आएगा ही नहीं। और मिट्टी में हम नीम खली का पाउडर जरूर डालेंगे और फंगस पाउडर डालेंगे, तो मिट्टी में भी कभी कोई किसी तरह का वायरस और किसी तरह के कीड़े पैदा नहीं होंगे। तो इस तरह से हमारा प्लांट
अच्छे से रहेगा दोस्तों। और यदि आप इसको थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे की धूप में भी रखते हैं तब भी ये पौधा मरता नहीं है, लेकिन हर पौधे को फुल सनलाइट चाहिए होती है दोस्तों, तो इसको चाहिए। और अगर नहीं भी अगर आ पा रही है धूप तो ये आपका पौधा मरेगा नहीं। और जब वहाँ पर तेज़ धूप आने लगेगी, और ऐसा होते हैं घर में कई कोने के गर्मियों में धूप आती है और सर्दियों में नहीं आती, तो उस तरह से भी आपका ये प्लांट चल जाएगा। वैसे मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि जहाँ पे फुल सनलाइट हो आप वहाँ पर इस प्लांट को लगाइए। तो दोस्तों ये बड़ा ही न्यू प्लांट है, और इसमें जब फ्लावर आएगा तब मैं इसको आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फुल सनलाइट की बात हो गई दोस्तों, सॉइल मीडिया की हो गई, स्प्रे की बात हो गई दोस्तों, प्लांटर की बात हो गई। तो इस तरीके से इसका रख रखाव है, और आप इस प्लांटर को प्लांट्स को लेके आइए, देखिए किसी नर्सरी में है या नहीं, या किसी के यहाँ लगा हुआ है तो आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और इसमें एयर लेयरिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है दोस्तों। तो इस तरीके से मुझे ये लगाना है। अगर मुझे दूसरा वेरीगेटेड वाला प्लांट मिल जाता है कहीं पे दोस्तों, तो मैं इसकी देखती हूँ, एयर लेयरिंग करूँगी, और अभी तो फिलहाल मेरे पास है नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से इसका रख रखाव है, इसका ध्यान रखिए। तो दोस्तों मेरा ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, थैंक यू, गुड बाय। आप शौक पैदा कीजिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।